मित्रों जय सिया राम। आप सभी के बीच मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में पुनः आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं सरल ज्योतिष में जो व्रत त्यौहार है उसके ऊपर मुहूर्त के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी ने देखा ही होगा मेरा थंबनेल, उसमें मैंने माता जो दुर्गा है, जो महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूप में जो 9 दिन की पूजा होती है, तो ये साल में वैसे तो 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 विशेष नवरात्रि हैं। तो जो 2 विशेष नवरात्रि उसमें ये जो आश्विन की नवरात्रि आती है वो इस बार 29 सितंबर को 2019 में लग रहा है। और इस दिन घट स्थापना कलश स्थापना बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं और 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। तो व्रत वगैरह के नियम को लेकर मैं अगला वीडियो और बनाने वाला हूँ जो आजकल में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं मुहूर्त पे चर्चा करूँगा कि इस मुहूर्त में आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और बोला गया है कि घट स्थापना जो है वह हमको दिन में ही कर लेना चाहिए। अगर कुछ समय याद ना हो, मुहूर्त याद ना हो, तो हमको अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:36 से 12:24 के मध्य दोपहर में, दोपहर का जो समय है 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, इस मध्य में कर लेना चाहिए। अगर अभिजीत मुहूर्त न मिले तो उस दिन हमको ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम लेते हुए कोई भी ऐसा मुहूर्त लेना चाहिए जो चौघड़िया के हिसाब से शुभ हो, लाभ हो और अमृत, इस ऐसे मुहूर्त को लेना चाहिए। उद्वेग और बहुत सारे जो चौघड़िया में जो अच्छे मुहूर्त नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ही हमको चौघड़िया को भी देखना चाहिए। तो आप अपने घर की सहूलियत के हिसाब से पूजा को कर सकते हैं। बहुत लोग पंडित जी को बुला के दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं और बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, आपको अनुष्ठान वगैरह करवाना चाहिए। अगर लगता है कि घर में बहुत दिनों से पूजा नहीं हुई तो नवरात्रि बहुत अच्छा पर्व है। कुछ नहीं हो तो आप घर के किसी सदस्य के नाम से, किनकी अगर तबीयत खराब है या किन्हीं के जैसे नौकरी चाह रहे हैं, किसी कन्या का विवाह चाह रहे हैं, तो इन 9 दिन में आपको दिया अवश्य जलवाना चाहिए अपने नाम से। तेल का हो, घी का हो, अधिकतर देवी मंदिरों में आप जा करके ये करवा सकते हैं और करवाना भी चाहिए। इससे बहुत फल मिलते हैं, बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। तो आप भी इस सफलता को ले और माता जी की जो सेवा करते हैं तो कम से कम अपने घर में सुख शांति बने, इसलिए एक कोना माता जी का, पूर्व कोना जो पूर्वी दीवाल है और उत्तर दीवाल, इसके मध्य ईशान कोण होता है या उत्तर का दीवाल है, यहाँ पर माता जी का एक छोटा सा मूर्ति या फोटो इसको रख सकते हैं। कुछ भी नहीं करें तो 9 दिन माता जी का आप स्तोत्र को पाठ कर सकते हैं। किन स्तोत्र को कैसे पाठ करना है या किस मंत्र को आप राशि वाले कर सकते हैं, इसको भी लेकर मैं एक वीडियो अभी डालने वाला हूं। आप क्रमशः हर दिन एक वीडियो को प्राप्त करेंगे, ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। तो आप आज के लिए इस मुहूर्त को जान लीजिए, कल के वीडियो में और विशेष बातों को मैं बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने वीडियो को देखा ध्यानपूर्वक और मुझे इतना प्रेम दिए, और अपने जो भी सवाल हैं, आपको लगता है कि ये सवाल मुझे करना है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझे अवश्य लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी का नवरात्रि पर्व शुभ हो, माता जी 9 रूप में आए और 10 महाविद्या आप सभी को प्रदान करें, और माता आप सभी के घर में दीर्घायु और सतत आरोग्यता दे, आप सभी का कल्याण करे। प्रेम से बोलिए जय सियाराम।